नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए सख्त निर्देश, कहा सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए हो प्रभावी प्रयास। देहरादून के झाझरा में क्लोरीन गैस का रिसाव, नर्सरी में रखे सिलेंडरों में हुआ रिसाव, चपेट में आया चंदन नगर इलाका, लोग हुए बेहोश, सभी को प्रेमनगर अस्पताल में किया शिफ्ट। ऋषिकेश में सड़क हादसे में रेंजर सहित 4 वन कर्मियों की मौत, नई गाड़ी के ट्रायल के दौरान हुआ एक्सीडेंट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रकट की संवेदनाएं। नाइजीरियन गैंग का लीडर सहित 4 सदस्य अरेस्ट, कोटद्वार पुलिस ने फरीदाबाद से धर दबोचा, शादी का झांसा देकर लोगों से करते थे धोखाधड़ी। और आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू, बद्री केदार मंदिर समिति की बोर्ड बैठक, तैयारियों निर्माण जीर्णोद्धार कार्य संबंधित लिए गए कई फैसले, त्रियुगी नारायण मंदिर क्षेत्र को वेंडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पारित। और अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां विकास नगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत झांझरा में सुबह सवेरे गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासियों की सूचना से पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। वहीं बता दें कि रेस्क्यू टीम क्लोरीन सिलेंडर को जेसीबी की मदद से हटाने का प्रयास करती रही और स्थानीय लोगों को गैस से सांस लेने में दिक्कत होने पर घरों से बाहर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। देखिए, यहाँ पे क्लोरीन गैस रिसाव की सूचना आई थी, उसके रेस्पॉन्स में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ भी है, फायर सर्विस भी है और जिला पुलिस से भी सभी लोग यहाँ पर हैं। और उसी क्रम में यहाँ पर जो भी यहाँ से आपसी उससे जानकारी करने के बाद क्लोरीन गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी कार्रवाई की गई है वो कर दी गई है। लोगों को आसपास चेतावनी दे दी गई है और उनको यहाँ से खाली करा दिया गया है ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। खबर लोहाघाट से है, जहां तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता और भाजपा नेत्री रेणु गरगोटी ने समाज कल्याण विभाग पर योजनाओं का लाभ देने में लोहाघाट विधानसभा के साथ भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाया। रेणु गरगोटी ने कहा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांगजनों को ना तो बैसाखियां दी जा रही है और ना ही कान की मशीन और ना अन्य उपकरण, जिससे दिव्यांगजन परेशान है। कल बाल विकास में चंपावत गई तो बाल विकास अधिकारी जी कह रहे हैं कि जितनी भी बैसाखी आती है वो आने तक बढ़ जाती है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि क्या लोहाघाट क्षेत्र की जनता के लिए बैसाखी या मशीनें या उपकरण नहीं है? तो सीधे उनका कहने का मतलब था कि हमारी जो बैसाखी आती है मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र होने के कारण सारी बैसाखी आने तक बिक जाती है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि हमारी लोहाघाट की जनता के लिए भी जो भी उपकरण होते हैं वो तत्काल पहुंचे और उन विकलांग जनों को, उन लाभार्थियों को उसका लाभ मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली। इस दौरान अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाए। राज्य के सभी चिन्हित मार्गों पर कैश बैरियर का अवशेष कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ चारधाम यात्रा से पहले पूरा किया जाए। ब्लैक स्पॉट पर नियमित रूप से रोड सेफ्टी ऑडिट किया जाए। राज्य के पर्यटक स्थलों के आसपास जहां पर वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है, उन क्षेत्रों में वाहन चालकों के लिए डोरमेट्री की व्यवस्था भी की जाए। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में लंबे समय से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को लेकर लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने भाजपा सरकार को घेरा। विधायक ने कहा कि लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में लंबे समय से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। सरकार से बार बार लोहाघाट चिकित्सालय में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती की मांग की गई है, पर सरकार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसकी वजह से लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सुविधा का भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पर क्या है कि यानी क्या ऐसा कारण है कि डॉक्टर जब यहाँ आते हैं वो 2 महीने से 10 दिन भी यहाँ नहीं टिक पाते हैं, क्यों यहाँ से जाते हैं? और दूसरी व्यवस्था ये है
कि जब हम प्रशासन में या शासन में बात करते हैं, बात तो बहुत अच्छी होती है परंतु व्यवस्था कुछ नहीं होती। हम तो स्वास्थ्य मंत्री जी से भी अनुरोध बार बार कर चुके हैं, हम तो उनसे निवेदन भी कर चुके हैं। अब ये ऐसा मुद्दा है कि चंपावत का लोहागाट का नहीं, आप जहाँ भी देखेंगे वो सफेद हाथी की तरह इनने बिल्डिंगें खड़ी कर दी। बिल्डिंगें इनने क्या, बिल्डिंग तो हमने खड़ी की, हमारी सरकार ने खड़ी की, वहाँ के यंत्र हमारे सरकार ने कर दिए थे, अभी डॉक्टर ही नहीं पहुँचा पा रहे हैं, अब इसमें तो इनकी नाकामी है। मकवानपुर विकास के नाम पर दावे करने वाली कांग्रेस विधायक पर उन्हीं के देवर और बसपा के कद्दावर नेता सुबोध राकेश ने जमकर निशाना साधा और कहा कि मुस्लिम समाज के गांव में विकास की स्थिति शून्य है, जबकि मुस्लिम समाज के सम्मानित लोगों की वजह से ही कांग्रेस विधायक सम्मानित कुर्सी पर विराजमान है। कांग्रेस विधायक ने भगवानपुर को विकास को लेकर 20 साल पीछे धकेल दिया, जिसके जिम्मेदार कांग्रेस विधायक ममता राकेश है। विषय यह है कि इतने साल से कितनी बड़ी कुर्सी पर विराजमान, विधायक की कुर्सी पर विराजमान इस क्षेत्र की विधायक, अभी तक मात्र बातों बातों में और अपने बयानों में ही विकास कार्य करा रही हैं। आप लोग क्षेत्र में घूमते रहते हैं मीडिया के साथ ही, जगह जगह प्रत्येक गांव में क्या स्थिति दुर्दशा सड़कों की हो चुकी है। 20 साल पीछे हमारा ये भगवानपुर विधानसभा जा चुका है, जब से ये विधायक बने हैं इस क्षेत्र में। माननीय मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने इस क्षेत्र को चमर बना दिया था और निश्चित रूप से आम जन, एक एक बच्चा जानता है इस क्षेत्र का कि कितना विकास उनके माध्यम से हुआ है। लेकिन उनके जाने के बाद इस क्षेत्र की विधायक कितना काम, कितना विकास यहां पर करा रही है, ये सब लोगों के सामने है। रविवार को जबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने लाठर देवा शेख से रुड़की रेलवे स्टेशन तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया था। वहीं पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने सड़क शिलान्यास करने पर सवालिया निशान उठाया और कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसका विधायक ने शेयर लेने के चक्कर में सड़क का दोबारा से शिलान्यास कर दिया। उन्होंने झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति पर निशाना साधते हुए कहा कि वो शेयर लेने के लिए क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं। श्री पुष्कर सिंह धामी जी इसका शिलान्यास कर चुके तो अब एक क्षेत्रीय विधायक, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, जब किसी सड़क का, राज्य योजना से निर्मित सड़क का माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर दे तो फिर जाति जी को क्या अधिकार है? और ये स्पष्ट आदेश भी है, शासनादेश है कि राज्य योजना से जितनी भी सड़कें हैं उनका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। नाइजीरियन गैंग लीडर सहित गैंग के 4 सदस्यों को कोटद्वार पुलिस ने फरीदाबाद से धर दबोचा। गैंग शादी का झांसा देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी किया करते थे। वहीं आपको बता दें कि 2 फरवरी 2022 को भावर क्षेत्र के खूनीबड़ कोटद्वार निवासी रघुवीर सिंह नेगी ने कोतवाली कोटद्वार में शिकायती पत्र दिया था और बताया कि महिला ने मैट्रिमोनियल साइट पर जाकर फेक आईडी बनाकर शादी का झांसा देकर विदेशी करेंसी को इंडियन करेंसी में बदलने के नाम पर 3,30,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। क्षेत्र अधिकारी विभव सैनी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस की मदद से सफलता मिली। वहीं अभियुक्त नाइजीरियन हाल किराएदार तुगलकाबाद एक्सटेंशन गोविंदपुरी फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। रुड़की के गंग नहर कोतवाली और सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में लगातार खनन कारोबारी अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। रुड़की के नगला, इमरती, डोड़ा, कल्याणपुर, पालड़ी, गुज्जर और रहीमपुर क्षेत्र में अवैध खनन का आरोप लगा है। ना तो पुलिस प्रशासन और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इस खनन पर ध्यान देता है, जबकि ये खनन कारोबारी सुबह से शाम तक खुलेआम सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रोलियों को दौड़ाते रहते हैं। इस मामले में जब एएसडीएम विजयनाथ शुक्ला से बात की गई तो उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्यवाही की जाएगी। विभाग द्वारा समय समय पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है और भविष्य में भी
आपके द्वारा जो घटना संज्ञान में लाई गई है उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये कहना गलत है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पूर्व में कार्रवाई की गई है और हम लगातार जो अवैध खनन के मामले मेरे पास आए हैं उनमें दंडात्मक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित भी किया गया है। चूँकि ये मसला पूरा संज्ञान में आया है इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जोशीमठ ब्लॉक के सलुड़ गांव में 60 सालों के उपरांत इस बार उबेद दिशा बंधन का शुभ कार्य होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में स्थानीय ग्रामीण लगे हुए हैं। ये उबेद दिशा बंधन का शुभ कार्य तकरीबन 3 दिनों तक सलुड़ गाँव में किया जाएगा, जिस दौरान लगभग 4 गाँव के लोगों को गाँव से बाहर आने जाने की अनुमति पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। दिन तक चलेगा गांव की खुशहाली के लिए। इसमें गांव में रिद्धि सिद्धि आई, जो अनाज खेतों में होता है वो बड़े इस चीज़ के लिए किया जाता है। 52 वर्षों के पश्चात हमारे ग्राम सलूट उगरा डूंगरी बरोसी चारों गांव का एक सामूहिक 80 पंचायत के नाम से जो जानी जाती है, एक सामूहिक उखेल उबेद उखेल किया जाता है, जिसमें बाहर से जो ब्राह्मण आता है जो काफ़ी ज्ञानी होता है उसके द्वारा ये किया जाता है। और हमारी सीमा में जो बाउंड्री बांधी जाती है उस सीमा से न तो कोई बाहरी व्यक्ति हमारी 3 दिन तक गांव में प्रवेश कर पाएगा और न ही गाँव का व्यक्ति बाहर आ पाएगा। इस संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय जोशीमठ को भी हमने ज्ञापन प्रेषित किया कि गांव में स्वास्थ्य से संबंधित जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है सलू डोगरा में, जो स्वास्थ्य की पूरी टीम है वो उस दौरान वहाँ पर रहनी चाहिए। जोशीमठ का तोलमा गांव में जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से दूर है, यहां सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कई बार सरकार से गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आखिरकार जन टीवी ने तोलमा गांव की समस्या को समझते हुए इस मुद्दे को कई बार दिखाया और सरकार तक लोगों की समस्या को पहुंचाने की कोशिश की। जन टीवी की खबर का असर हुआ और यहाँ सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया। गाँव वासियों ने जन टीवी का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। सरायथोटा तोलमा मोटर मार्ग जो विगत 2 दशकों से लंबित पड़ा हुआ था, धन्यवाद करना चाहते हैं हम इस बार चौहान जी, खंड लोक निर्माण विकास गोपेश्वर जी साहब, शासन प्रशासन वो मीडिया कर्मी जो भी इस सड़क के बारे में लगातार कहते रहे हैं, और ठिकरार जी इस बार फाइनली जो हमारा 3 जॉब था 1.5 किलोमीटर का लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो हम शासन प्रशासन और मीडिया कर्मी खंड लोक निर्माण विकास गोपेश्वर चौहान जी का विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनके अथक प्रयासों से आज जो हमारा कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ मोटर मार्ग था प्रथम चरण 1.5 किलोमीटर का वो कंप्लीट होने के कगार पे है। सीमांत घाटी का एक ऐसा दुरस्त गांव जाना जाता है जिस गांव का नाम तोलमा गांव है। आपको बता दें कि जिस तोलमा गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। बड़ी बात तो यह है कि तोलमा गांव तक जाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती थी, लेकिन अब तोलमा गाँव में सड़क जैसी सुविधाओं का निर्माण कार्य एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों की अगर हम बात करना चाहें तो स्थानीय ग्रामीणों ने जन टीवी के पूरे परिवार को
दिल से धन्यवाद दिया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कहीं ना कहीं जन टीवी के द्वारा जो बार बार खबर चलाई गई थी उसका ही असर देखने को मिला है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशीमठ। 15 नवंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजना और लाभार्थी परक योजनाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से चंपावत के लोहाघाट में संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन किया गया। बता दें कि नगर पालिका लोहाघाट के सौजन्य से इस कैंप का आयोजन किया गया। इसके साथ ही संकल्प कैंप में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभ से वंचित पात्र लाभार्थियों के आवेदन को भी मौके पर जमा किया गया। संकल्प यात्रा जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विजन है, एक तो उनकी दूरगामी सोच है, इसमें क्या था कि जो अभी तक कई चीज़ों से वंचित जो हमारी आम जनता थी, वो चाहे गैस का उज्ज्वला गैस कनेक्शन से हो, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से हो, वो चाहे शौचालय जो पहले स्वजल के माध्यम से बनाए जाते थे बीच में बंद हो गए, उसको जो सरकारी अमला है उन्होंने 100% दिखा के क्लोज कर दिया। इस विकसित संकल्प भारत यात्रा के दौरान जगह जगह हमारा रथ जाएगा। नगर क्षेत्र लोहाघाट में रोडवेज परिसर के पास में आज एक शिविर लगाया गया है, जिसमें विभिन्न जो जनकल्याणकारी विभाग हैं उनके द्वारा अपने कैंप आयोजित किए गए हैं। उनके अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, अपने विभागीय जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी दी जा रही है और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अंत्योदय कार्ड वितरित किए गए हैं। रुड़की में शीतलहर के प्रकोप ने लोगों को अपनी चपेट में लिया हुआ है, जिसका असर आम मजदूर के कारोबार पर भी पड़ रहा है। लोग जगह जगह अलाव जलाकर अपने हाथ सेक रहे हैं, तो कुछ लोग चाय के दुकानों पर गर्म चाय का सहारा लेकर ठंड को खत्म करने की नाकाम कोशिश करने में लगे हैं। वहीं कड़ाके की ठंड के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, जिससे रिक्शा चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो शहर के अंदर शीतलहर बहुत चल रही है और सर्दी ज्यादा है, उसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा परेशानी थानी पड़ रही है। ये रिक्शा चलाते हैं हम और काम वाम जो कारोबार बिल्कुल ठपी हो गया, कमी हो गया है काम, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही, थोड़ी ऐसे खड़ाना पड़ रहा है, इधर उधर सवारी तो मिल नहीं रही है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गए, सर्दी ज़्यादा बहुत ज़्यादा चल रही है सर्दी, इस वजह से 300 रुपये कमाते हैं पूरे दिन में, वही किराए में चला जाता है। जी रिक्शा चलाते हैं भाई साहब, सवारी मिल रही है जी, काम भी करते हैं भाई साहब, मैकेनिक लाइन में भी है, काम भी करते हैं, रिक्शा भी चलाते हैं रिक्शा, ऐसे में कहाँ मिल रही भाई साहब, सर्दी बहुत ज़्यादा है, घर चलाना भारी हो रहा है जी, घर चलाना बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा फर्क है, आदमी नहीं दिखाई दे रहा, रिक्शा वाले नहीं दिखाई दे रहे और भाई सारे काम ढीले चल रहे जी, बहुत किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मंडी की, बहुत ज़्यादा है जी, घर के जो खर्चे हैं उन्हें करना पूरा, उनका पूरा भी नहीं हो रहा जी, हमारा बीटी सिगरेट का पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ रोजी रोटी का संकट गहरा रहा है। हाँ जी रोजी रोटी का सारा संकट है। कितना आदमी आ रहा था आपके पास? हाँ जी बहुत आदमी आ रहे जी, पहले तो अभी कितने संकट से, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20-30 आदमी रिक्शा वाले आ रहे हैं। डोईवाला के विस्थापित क्षेत्र का सुनार गांव जो जाखन नदी और बड़कोट वन क्षेत्र के जंगलों से सटा हुआ है, इस गांव के लोग कई परेशानियों से घिरे हुए हैं। बता दें कि बरसात के सीजन में जाखन नदी में आने वाली बाढ़ जहां गांव के लिए हर साल मुसीबत बनती है, तो वहीं जंगली जानवरों के आतंक के कारण गांव के लोगों ने खेतीबाड़ी छोड़ दी है, जिसकी वजह से अब इनके खेत बंजर पड़े हैं और बाजार से महंगा राशन और सब्जी खरीदने को मजबूर है। हमारे यहाँ ये हमारी जो ये सुरक्षा दीवार थी ये बह गई थी और रात को 2-3 दिन बहुत पानी आया, बिजली चली गई, 3 दिन तक हमारे यहाँ बिजली नहीं आई, पानी नहीं आया और बड़े परेशान रहे हम, आज तक सुरक्षा दीवार नहीं लगी। फिर बरसात के टाइम अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, काम धरातल पर कुछ नहीं हो पाता है, वैसे के वैसे रहता है। जंगली जानवरों को 7 बजे बाद यहाँ बाहर नहीं निकल पाते हम, हमारी खेती बाड़ी आप देख लो बंजर पड़ी हुई है, कर ही नहीं पाते हम, जानवर आ जाते हैं। और पिछली बार तो हमने 40-45 हज़ार रुपये हल लगाया लेकिन एक बोरी गेहूँ नहीं हुई और वो जंगलात वाले भी आके ले गए थे, उसके बाद भी हाथी आए, कुछ नहीं हुआ, हमारा कोई पेमेंट नहीं हुआ आज तक भी। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? तो हम चाहते हैं इसकी सुरक्षा दीवार जरा अच्छी बने। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ, नमस्कार।